कहता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटी मनी इज एडेड टू जर्मेनियम। अब जो एंटी मनी है वो एंटी मनी पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है, तो एंटी मनी पेंटावैलेंट, ये आपको बात पता होना चाहिए कि एंटी मनी किस टाइप का इम्प्यूरिटी है। तो ऑब्वियसली जो एंटी मनी है वो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है। हाँ, तो अब देखो एंटी मनी अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटी मनी इज एड, स्मॉल अमाउंट बहुत कम यार, इम्प्योरिटी बहुत कम होती है, इतना कम कि लगभग जो अर्थ है इस पर पूरे पॉपुलेशन से और भी ज़्यादा कर दो, समझ रहे हो, पॉपुलेशन जो अर्थ पे पॉपुलेशन है उसका डबल कर दो और उसमें कोई एक आदमी इम्प्योरिटी होगा, ठीक है, तो इम्प्योरिटी बहुत ही कम होती है। तो इम्प्योरिटी जो है वो एंटी मनी जो है वो पेंटावैलेंट है यार। एंटी मनी क्या है? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट वो होते हैं जिनके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 5 इलेक्ट्रॉन को जर्मेनियम से डॉपिंग करोगे तो 4 तो इसके जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बना लेंगे सी पेंटावैलेंट, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगा? ऑब्वियसली एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगा और देयर विल बी द मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन सेमीकंडक्टर। ऑब्वियसली जो है सी ऑप्शन सही, इट बिकेम पी टाइप बिल्कुल गलत है। एंटी मनी एक्सेप्टर ऐसा नहीं है, ठीक है, एंटी मनी डोनेट कर रहा है, ये डोनेशन दे रहा है तो इसको डोनेशन बोलते हैं, और रेजिस्टेंस इंक्रीज ये बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। चलो।